गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर आज गौपुत्र सेना और गौ सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा, जिसमें बताया गया कि भारतीय संस्कृति की मूलाधार भारतीय गौ माता के समस्त वेद पुराणों शास्त्रों में अनंत महिमा का बखान किया गया है। भारतीय गौवंश भारत की आर्थिक सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक काल में गाय का गोबर विशिष्ट ईंधन डीजल पेट्रोल के विकल्प बायोगैस जैविक खाद तमाम तरह के उपयोग वस्तु वैदिक पेन प्लास्टर इत्यादि में किया जाता है। वहीं गौमूत्र का उपयोग भी जीवन रक्षक के तौर पर करोड़ों लोग सेवन करने के अलावा और भी तमाम तरह के उपयोग में लिया जाता है। दूध दही भी वैज्ञानिक आधार पर A2 की श्रेणी में सबसे उत्तम दर्जा माना गया है। ज्ञापन में बताया गया कि शास्त्र अनुसार भारतीय गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी माना गया है, इसलिए गौ माता संपूर्ण सनातन में आस्था की प्रतीक है। इसलिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 19 सितंबर 2018 को एवं 13 सितंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा किए गए प्रस्ताव जैसा प्रस्ताव पारित करें। ज्ञापन में केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने व संरक्षण हेतु संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने की मांग की गई है। किस तरह का ज्ञापन है, क्या पूरी आपकी मांग है? जी, हमारी मांग है कि गौ माता को भारतीय संस्कृति के अंदर जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उस गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। कई विधानसभाओं में इसको पारित कर दिया गया है, लेकिन समूचे राष्ट्र में इसको घोषित किया जाए, इसके लिए हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल को इसका ज्ञापन देंगे, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। क्या आपकी मांग है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो गौ हत्या को बंद किया जाए और गौ तस्करी को विशेष उस पर रोक लगे, ताकि अगर ये राष्ट्र माता बन जाती है तो इन दोनों पे ही आराम से उन पे रोक लग पाएगी। कौन ये ज्ञापन देगा, कौन सी संस्था है ज्ञापन? भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, जिला नीमच। अगर ये राष्ट्रीय घोषित नहीं करते तो उसके बाद में मानव अपनी संस्था का क्या आगे का रूपरेखा? हमारी जो कार्यवाही रहेगी वो हमारी पूरे कार्यकारिणी मिलकर के डिसाइड करेगी, और अगर ये नहीं होता है तो इसके ऊपर फिर हम कार्यवाही करेंगे। आपका नाम? और पूजा यादव, नीमच जिला अध्यक्ष।